सिर्फ हम लोग के लिए कोचिंग कैंप के लिए मेन मुद्दा है। कोचिंग कैंप होगा, उसका न्यूट्रिशन डाइट सब कुछ हम लोग तैयार करेगा, हाई लेवल का परफॉर्मेंस बेस में कोचिंग रखेगा तो और रिजल्ट आएगा। मेन हम लोग का गवर्नमेंट से अपील हो गई है कि हर एक डिसिप्लिन में कोचिंग कैंप रखने के लिए जगह मिले देखिए, क्योंकि कोचिंग कैंप का कोई उपाय नहीं है यार। मैं अरुणाचल में कोई भी जगह में कोचिंग कैंप के लिए अब रखने का बच्चा लोग को कैंप कराने के लिए जगह नहीं है। अमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो इलेक्शन प्रोसीजर हम लोग शुरू हुआ था लास्ट मंथ से, नोटिफिकेशन फर्स्ट नोटिफिकेशन से लेके फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट जितना भी हुआ है, एंड देन ये सब बहुत एक प्रॉपर एकदम प्रॉपर तरीके से हुआ है, तरीके से करके सब नॉमिनेशन फाइल हुआ, नोटिफिकेशन स्क्रूटनी हुआ, ऐसा करके एक प्रॉपर तरीके से हुआ है और बहुत सक्सेसफुली हुआ है। एंड देन जो भी इलेक्टेड हुआ है, जो ऑलमोस्ट सब अनओपोज हो गया, इलेक्टेड अनओपोज हो गया। After thorough and successful completion of third general election of Arunachal Boxing Association 2024, held on 18/5/2024 at Hotel Y International, Itanagar, a total of 7 candidates are being found to be duly elected. Hence, by virtue of the power conferred upon the office of Chief Election Commissioner, the following candidates as the members of new executive body, duly elected unopposed, in their respective post for the session 2024-28. I'll call the name Sri Purpa Serin, President elected unopposed. Sri Teli Kahi, Secretary General elected unopposed. Sri Biri Chatum, elected unopposed Vice President. Sri Teli Duli Kandir, elected unopposed Vice President Senior. Sri Karling Natung, elected unopposed to the post of Secretary Technical. Sri Dari Laknia, elected unopposed Secretary Admin. And last but not the least, Sri Techi Payo, elected unopposed for the post of Treasurer ABA for the session 2024, and I extend each one of the new executive member a very best wishes for their future endeavor. So, as an observer on behalf of Boxing Federation of India, I'm maintaining to conduct the election, to uphold the election free and fair and transparency. So, according with the bylaws of the state association, so it's very, now they are selected all the executive members by unopposed. So it's a good thing. So Arunachal Boxing will come up, then the new team will bring an achievement, a glory of achievement to push up the boxes up to the level of Olympic Games. I think now it's better to go in remote areas to a talent hunt program. So they have to make some talent hunt program. So they have to make their plan also in the remote areas, like so in hill areas, no? Mm-hmm. So we can produce more boxes from the hill areas, in the remote areas. So we will get more talented boxes, I think so. Ye hamara jo third general election Arunachal Amateur Boxing Association ka jo
इलेक्शन प्रोसीजर हम लोग शुरू हुआ था लास्ट मंथ से, नोटिफिकेशन फर्स्ट नोटिफिकेशन से लेके फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट जितना भी हुआ है, एंड देन ये सब बहुत एक प्रॉपर एकदम प्रॉपर तरीके से हुआ है, तरीके से करके सब नॉमिनेशन फाइल हुआ, नोटिफिकेशन स्क्रूटनी हुआ, ऐसा करके एक प्रॉपर तरीके से हुआ है और बहुत सक्सेसफुली हुआ है। एंड देन जो भी इलेक्टेड हुआ है, जो ऑलमोस्ट सब अनओपोज हो गया, इलेक्टेड अनओपोज हो गया, तो ऐसा करके हमारा ऑब्जर्वर भी आया है, हमारा ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑब्जर्वर भी आया है, एंड देन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से स्पोर्ट्स अथॉरिटी से भी आया है, एंड देन आपका ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश से भी आया है। तो ऐसा आके हमारा एक प्रॉपर प्रोसीजर से हुआ है, एंड देन आई होप कि मैंने ये जो एक हम लोग का जो आज जो इवेंट हुआ है, जो एंटायर प्रोसेस फ्रॉम द 28 ऑफ अप्रैल से हम लोग शुरू हुआ था, तो ये सब जितना है इट विल हैव अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द आई मीन स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी का, अरुणाचल का स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के ऊपर। तो मैं होप करता हूँ कि जितना भी इलेक्टेड जो ये मेम्बर्स है, ये लोग अच्छा से इसको आगे ले जाएगा, एंड देन हम थैंक्स देना चाहता हूँ कि ये जितना यहाँ पे मेरा जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स है, जो अमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन का, उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पे, अदरवाइज उन लोगों का कंट्रीब्यूशन के बिना मेरा जो इवन दो आई एम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बट देन हम कुछ नहीं कर पाता। तो एक कलेबरेटिव एफर्ट के वजह से ये एक सक्सेसफुली जो यहाँ में कल्मिनेट हुआ है, सो आई एम रियली थैंकफुल एंड एकदम फ्रीली एंड फेयरली एंड पीसफुल हुआ है। देयर इज़ नो एनी माल प्रैक्टिस और कुछ ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत एक तरीके से हुआ है, एक बहुत अच्छा से हुआ है। मैं सभी जितना भी यहाँ पे अभी कंसेशन के लिए था जो अनुपज में सबको कॉन्ग्रेचुलेसन देता हूँ, जितना भी मेरा टीम को ऑन बिहाफ ऑफ जो नया हम लोग टीम है। तो इस बार हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग और ज़्यादा बॉक्सिंग को इम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम हो रहा है अभी। तो अभी हम लोग फिलहाल 17 डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन है, तो ऑलमोस्ट जितना डिस्ट्रिक्ट है उसको हम एप्लीकेशन कराएगा, और हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बॉक्सिंग क्लब खोलने के लिए कोशिश करेंगे, और सभी डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन को भी हम अपील कर रहे हैं अभी, सभी को बोल रहा है अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में एक बॉक्सिंग क्लब खोलिए। और जैसे अभी हम लोग इस बार का अगर खोलता है, हम जितना भी मेंबर्स लोग हर डिस्ट्रिक्ट में विजिट करेगा, तो उसके बाद हम लोग बॉक्सिंग को अभी हम लोग टॉप लेवल में जाने के लिए एलीट स्पोर्ट्स में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग बहुत साल से हम लोग सब जूनियर और जूनियर लेवल में हम लोग बहुत तरह सा है, बहुत अच्छा से हम प्लान किया है, तो रिजल्ट भी आ रहा है सब जूनियर जूनियर, लेकिन एलीट स्पोर्ट्स में अभी हम लोग रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो एलीट स्पोर्ट्स को हम लोग इसलिए प्लान करके, हम लोग एक मेंबर है, नया टीम है अभी, तो उसके लिए हम लोग बहुत अच्छा से प्लान करके हम लोग ये प्रोग्राम ये करेंगे। एग्जैक्टली बॉक्सिंग स्ट्रीम नहीं है, हर एक अपना अपना डिसिप्लिन है, हर इवेंट में आप पेरेंट्स लोग को हम अपील करेगा, जो भी बॉक्सिंग स्ट्रीम नहीं है, फुटबॉल है, कराटी है, टाइकंडो है, उसू है, हर स्पोर्ट्स में अब पेरेंट्स लोग अपना बच्चा स्पोर्ट्स खिलाए। अभी हर स्कूल में स्पोर्ट्स पॉलिसी बन रहा है, स्पोर्ट्स का हब हो रहा है हर कंट्री लोग, और जानना चाहिए स्पोर्ट्स में क्या वैल्यू मिलता है, और हर डिपार्टमेंट में आप स्पोर्ट्स कोटा है, ये नहीं कि स्पोर्ट्स खेलकर आप ये क्या बोलता है जॉब जाओ, स्पोर्ट्स खेलकर ओलंपिक टॉप लेवल में जाना है, एक गोल अचीव करना है, पेरेंट्स को हमेशा अपील करता है। ये सब बाकी स्टेट में जाकर देखने से आप शौक हो जाएगा, पेरेंट्स साथ में आकर बच्चा लोग के साथ में आकर गेम देखता है। हम लोग का यहाँ पे पेरेंट्स लोग एवरेज थोड़ा कमती है, तो इसको भी हम लोग हर पेरेंट्स को हम लोग भी जो गेम जाता है, तो पेरेंट्स को भी हम लोग नेक्स्ट टाइम से कन्वे करेगा कि इसको पेरेंट्स लोग भी थोड़ा ध्यान दें अपना बच्चा को, तब पेरेंट्स ध्यान देगा तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो इम्प्रोमाइज होते रहेगा। हम लोग का एसोसिएशन में लास्ट टेन्योर में हम लोग का लड़की है, हम लोग का प्रेसिडेंट डॉक्टर तारंग मीनू जी, तो इस बार हो छोड़ दिया, तो कैसे हम लोग सब मैक्सिमम हम लोग का आप विश्वास ही नहीं करेगा, हम लोग का जितना भी आरजे रेफरी एंड जज मैक्सिमम गर्ल्स है, ऑल आर क्वालिफाइड बीएफआई क्वालिफाइड रेफरी है। तो आज हम लोग रेफरी लुक नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम आप लोग को मिलाएगा रेफरी लुक, और नेक्स्ट स्टेट लेवल जब भी होता है आप मैक्सिमम रेफरी सब हम लोग का गर्ल्स है, लेडीज लुक है। मतलब मैं पूछ रही थी कि बॉक्सर्स लेडी बॉक्सर्स लेडी आप हम लोग का सेंसेस में ऑलमोस्ट 100 अबव सेंसेस है हम लोग का बॉक्सर्स। अभी रिसेंटली हम लोग का एक
इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई अभी कैंप में है, रोहतक में है, तो जब सिलेक्शन हो जाएगा अभी ट्रेनिंग में और हम आप लोग को बता देगा। नहीं बॉक्सर कम नहीं हुआ, बॉक्सर इंक्रीज हो गया। अभी लास्ट हम लोग 2011 में हम लोग 71 से पार्टिसिपेट था स्टेट लेवल में, तो वो स्टेट लेवल फिर नेक्स्ट टाइम का 2004 नेक्स्ट सेकेंड स्टेट लेवल में फिर बॉक्सर बढ़ते गया, डिस्ट्रिक्ट वाला लोग जाकर फिर क्लब खोलना शुरू हो गया। तो ऐसे होकर अभी हम लोग का अरुणाचल में हम लोग का पर्स ऐसे हम लोग का ये एसोसिएशन है कि दो टू टाइम्स स्टेट लेवल होता है, एक तो सब जूनियर जरूर गवर्निंग का नाम से होता है एंड नेक्स्ट अनदर सीनियर एंड यूथ। तो हम लोग का ऐसे है पॉपुलेशन क्या बोलते हैं सबका अलग अलग कैटेगरीज है, तो इसलिए हम लोग दो स्टेट लेवल हम लोग का नाम अरुणाचल बॉक्सिंग जो दो नाम से हम लोग ये करते हैं स्टेट लेवल करते हैं, और इंक्रीज में हर साल हम लोग का बॉक्सिंग जो डबल आ रहा है पार्टिसिपेशन, तो अभी नेशनल में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है हम लोग का वो इसका थ्रू से, जब तक पार्टिसिपेंट होगा तो नेशनल में भी रिजल्ट ऐसे अच्छा होगा। प्लान ये सरकार से वही है प्लान, जो मैक्सिमम हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोचिंग देने का हम लोग का फैसिलिटीज नहीं है, नंबर वन है कोचिंग फैसिलिटीज। अब कोचिंग कैंप रखने के लिए हम लोग पास अभी जगह नहीं है, तो जगह होटल में रखेगा बहुत एक्सपेंसिव है, तो सिर्फ हम लोग के लिए कोचिंग कैंप के लिए मेन मुद्दा है, कोचिंग कैंप होगा उसका न्यूट्रिशन डाइट सब कुछ हम लोग तैयार करेगा, हाई लेवल का परफॉर्मेंस बेस में कोचिंग रखेगा तो और रिजल्ट आएगा। मेन हम लोग का गवर्नमेंट से अपील हो ये कि हर एक डिसिप्लिन में कोचिंग कैंप रखने के लिए जगह मिले देखिए, क्योंकि कोचिंग कैंप का कोई उपाय नहीं है यार, में अरुणाचल में कोई भी जगह में कोचिंग कैंप के लिए अब रखने का बच्चा लोग को कैंप कराने के लिए जगह नहीं है।